Bunun seyircide çok karşılığı olduğunu düşünüyorum. O yüzden. Yani... आज हम आपको बुराक ओज़दवी के उज़्बेकिस्तान के टूर के कुछ सवालात जो रह गए थे उसकी ट्रांसलेशन करेंगे। इस वीडियो में आपको बताया जाएगा कि बुराक ने कुरुश उस्मान और उस्मान गाजी के किरदार के मुतालिक क्या क्या जवाब दिए और खास तौर पर ये कि कुरुश उस्मान के बाद वो किस तरह के ड्रामों में आएंगे। जर्नलिस्ट इनसे पूछती हैं कि क्या आपको मालूम है कि आपके कौन कौन से ड्रामे अब तक उज़्बेकिस्तान में ऑन एयर हो चुके हैं। इस पर बुराक ने बारी बारी ड्रामों के नाम बताते हैं, यानी मैग्निफिसेंट सेंचुरी, चलो कोशुकारा, सेव द और अब उस्मान। बुराक कहते हैं कि मैं 4 साल पहले आया था और इस बात से वाकिफ हूँ कि आप उन्हें देखते हैं और बहुत पसंद करते हैं। जर्नलिस्ट, क्या घोड़ा और तलवार वगैरह चलाना और इसके साथ उस्मान का किरदार अदा करना आपके लिए आसान था? बुराक, मैं ये कह सकता हूँ कि ये कुरुश उस्मान में मेरा 5वां साल है, क्योंकि मैंने 1 साल पहले ट्रेनिंग स्टार्ट कर दी थी। जिस्मानी तौर पर इस रोल के लिए तैयार होना मुख्तलिफ चीज़ थी, लेकिन दिमागी तौर पर इसके लिए तैयार होना मुख्तलिफ था। इसलिए हम बहुत वेल प्रिपेयर्ड हुए। इसका 4था सीजन इस साल आएगा, जिसकी शूटिंग हमने 10 दिन पहले से स्टार्ट कर दी। 4था सीजन बहुत ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि इसमें रियासत दिखाई जाएगी, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। इसके बाद जर्नलिस्ट पूछती हैं कि क्या आपके ड्रामे की शूटिंग मुश्किल है? बुराक, जी बिल्कुल, हमारी शूटिंग कंडीशंस ज़रा मुश्किल हैं, क्योंकि हम हफ्ते में 6 दिन काम करते हैं। इसके बाद ऑडियंस में से कोई सवाल पूछता है कि आपने एक्टिंग कैसे शुरू की? बुराक, मैंने 16-17 साल पहले मॉडलिंग शुरू की थी, फिर मॉडलिंग के बाद मुझे फौरन पहले ड्रामे की ऑफर आ गई, इस तरह मेरा एक्टिंग कैरियर शुरू हुआ। इसके बाद एक लड़की कहती है कि क्या आप हमें केमाल या फिर उस्मान का एक डायलॉग बोलकर दिखा सकते हैं? गेलेसिन, गेलेसिन जारकुताय। इसके बाद बुराक से वो सवाल पूछा जाता है कि जिसकी खातिर मैंने ये सारी वीडियो ट्रांसलेट की, वो ये है कि जर्नलिस्ट उनसे पूछते हैं कि आप उस्मान के बाद किस तरह की ऑफर्स एक्सेप्ट करेंगे और किस तरह के किरदार अदा करेंगे। बुराक, दोबारा जब मैं कोई रोल करूंगा तो वो लव के बारे में ही होगा, ये सुनकर तमाम ऑडियंस तालियां बजाती है। मेरे फैंस भी ये चाहते हैं कि मैं ऐसे रोल करूं, इनको कारा सेवदा बहुत ज़्यादा पसंद है, फिर उंगली के इशारे से कहते हैं आपको केमाल पसंद है ना? खैर, यहाँ पर कारा सेवदा के जितने भी फैंस हैं उनके लिए बहुत ही खुशी की बात है कि उनके फेवरेट हीरो दोबारा रोमांटिक ड्रामों में आएंगे। और कुरुश के फैंस के लिए बुरी खबर ये है कि वो बुराक को उस्मान के बाद कभी भी किसी हिस्टोरिक किरदार में देख नहीं सकेंगे। तो व्यूअर्स, आज के लिए बस इतना ही। आप मुझे ये बताएं कि आपको बुराक का ये फैसला कैसा लगा। मैं भी इस फैसले के बारे में अपनी राय का इजहार आपके साथ ही कमेंट सेक्शन में शेयर करूँगी। तो जल्दी जल्दी अपने रिएक्शन, राय और फीलिंग के बारे में मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी आगाह करें।